नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक और वैकेंसीज लेके आए हैं NCPR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर आती है भारत सरकार, तो इसमें आपके वैकेंसीज निकाल दी गई हैं और अच्छी खासी सैलरी भी आपको मिलेगी। तो चलती है नोटिफिकेशन पे चलते हैं और देखते हैं उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। तो देख सकते हैं आप, नेशनल सेंटर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने आपके वैकेंसी निकाल दी है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है ये। और आप वैकेंसीज़ को देख सकते हैं आप, ये जो वैकेंसीज़ हैं आपकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाली गई हैं। 2021 से लेके 2023 तक का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पीरियड रहेगा और बेसिकली आपको मैन पावर की ज़रूरत है, ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है वैकेंसीज़ के लिए। और रिसर्च करनी है बेसिस इन अंटार्कटिका, तो ये आपकी जो वैकेंसी हैं अंटार्कटिका के लिए निकाली गई हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2021-2023 के लिए। तो वैकेंसीज़ देख लेते हैं हम कौन कौन सी हैं और उनके बारे में थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कौन कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपकी व्हीकल मैकेनिक, 3 पोस्ट हैं इसके लिए। ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स, प्रेफरेबल स्नो व्हीकल्स, ट्रक, डोजर्स, क्रेन्स, ETC। तो ये आपका इसका प्रेफरेबल इसमें साथ साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। और व्हीकल इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए तो नंबर ऑफ पोजीशन इसमें 3 हैं, इसमें भी आपका प्रेफरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है। ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ हैवी मोटर व्हीकल्स, प्रेफरेबल स्नो व्हीकल्स, ट्रक, डोजर्स, क्रेन, ETC। नेक्स्ट है आपकी ऑपरेटर, एक्सकेविटिंग मशीन। और एक पोस्ट है इसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ डोजर एंड एक्सकेवेटर्स, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्रेन ऑपरेटर, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ हाइड्रोलिक क्रेन्स। नेक्स्ट है आपकी स्टेशन इलेक्ट्रिशियन, एक पोस्ट है इसमें, इसमें भी आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है आपकी जनरेटर मैकेनिक ऑपरेटर, टोटल 2 पोस्ट है, इसमें भी आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ लार्ज डीजल जनरेटर्स 6200 kV एंड अबव। नेक्स्ट आपकी वेल्डर, 3 पोस्ट हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पॉट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस कटिंग एंड ब्राजिंग में। नेक्स्ट है आपकी बॉयलर ऑपरेटर एंड मैकेनिक प्लम्बर, एक पोस्ट है इसकी, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर विद एक्सपीरियंस इन प्लम्बिंग। नेक्स्ट है आपकी कारपेंटर, कारपेंटर में 2 पोस्ट हैं और रिपेयर, रिस्टोरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल वर्क का आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ, एक पोस्ट है इसमें आपके पास। नेक्स्ट है आपकी मेल नर्स, देख सकते हैं इसमें मेल नर्स मांगा गया है, नॉट फीमेल, 3 पोस्ट है इसमें आपकी, इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग मेडिकल एमरजेंसी एंड ट्रामा डिजास्टर नर्सिंग। नेक्स्ट है आपकी लैब टेक्नीशियन, 2 पोस्ट है इसमें, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है आपकी रेडियो वायरलेस ऑपरेटर, इसमें भी आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है मेंटेनेंस ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट आपकी इन्वेंटर, बुककीपिंग स्टाफ, इसमें भी आपके पास टोटल 2 पोस्ट है और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट है आपकी शेफ कुक, टोटल 5 पोस्ट है और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास बेसिक ओरिएंटल एंड बेसिक कॉन्टिनेंटल क्यूजिन फॉर अ ग्रुप ऑफ 50 पैक्स ऑन डेली बेसिस। तो इसमें आपके पास ये आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 5 to 9 के लिए आपके पास, एक्स सर्विसमैन की बात की जाए तो ट्रेड वर्क होना चाहिए आपके पास, सर्विस रिकॉर्ड विद मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस। और सिविलियंस की बात की जाए तो ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 1 ईयर का कोर्स होना चाहिए और 4 ईयर्स का आपके साथ ये आपका एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास, 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 4 की बात की जाए तो इसमें एक्स सर्विस फॉरन वालों के लिए सेम वही है, ट्रेड वर्क होना चाहिए आपके पास सर्विस रिकॉर्ड में और मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविलियंस की बात की जाए तो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड ऑपरेटिंग हाइड्रोलिक क्रेन प्रेफरेबली ऑफ कैपेसिटी ऑफ मोर देन 20 मीट्रिक टन्स विद मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ मांगा गया है। सीरियल नंबर 11 की बात की जाए तो डिप्लोमा मांगा गया है जनरल नर्सिंग विद 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके साथ मांगा गया है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग मांगी गई है, किसी भी अप्रूव इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग विद 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ मांगी है। सीरियल नंबर 12 की बात की जाए तो लेबोरेटरी के लिए डिप्लोमा मांगा गया इंजीनियरिंग के लिए, इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, साथ साथ आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ में बैचलर डिग्री हो सकता है अगर आपके पास है तो फिजिकल साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन विद 2 ईयर्स आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 3 की बात की जाए तो इसमें आपके 12th क्लास मांगी गई है और ये आपके लिए साथ में डिप्लोमा अगर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 ईयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ तो बहुत अच्छी बात है। सीरियल नंबर अगर 14 की बात की जाए तो यहाँ पे आपके कैंडिडेट के पास 12th क्लास मांगी गई है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए विद 4 ईयर एक्सपीरियंस के साथ।
सीरियल नंबर 5 में आपका डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट है और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं, तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लग सकते हैं। NCPOR में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो रहेगी आपकी 45,103। और जब आपको अंटार्कटिका में भेजा जाएगा तो उस टाइम पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 60,138। तो ये आपको पर डे के हिसाब से भी अलाउंस दिए जाएंगे, 1500 पर डे समर सीज़न और 2000 रुपये पर डे ड्यूरिंग विंटर सीज़न। तो इनका विंटर सीज़न 1 मार्च से लेकर 30 नवंबर तक होता है और समर सीज़न 1 दिसंबर से 28-29 फरवरी के। तो ये आपकी वैकेंसी निकल गई है और साथ ही साथ इसमें आपको 25 लाख रुपीज़ का साथ ही साथ ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसी निकाली गई। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। लास्ट डेट जिसकी है 15 जुलाई 2021। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मैट्रिक स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये सब आप अपने साथ में लगाइए और इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। इनकी जो ईमेल एड्रेस है आप इस पर ईमेल भी कर सकते हैं आप इनके ऑफलाइन फॉर्म्स को। तो ये आप इसका देख सकते हैं, एड्रेस दिया गया है आपको। ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद इनके पास एक सॉफ्ट कॉपी आप इनको एड्रेस भी करनी है। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं आप इसकी www.ncpor.res.in। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो ये आपकी वैकेंसीज निकाली गई थी और इसमें बेसिकली और तो कुछ खास दिया नहीं गया है। ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी इसमें प्रोवाइड करवा देंगे हम आपके लिए, इसे आप भर सकते हैं। और अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है, सबसे अच्छी बात इसमें सैलरी बहुत अच्छी है। और इस फॉर्म को आप फिलअप करिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।